जी, मेरा नाम डॉक्टर अराबेला भुट्टो है। मैं मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभाती हूँ। आई एम अ प्रोफेसर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। मेरी जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो, इनफैक्ट आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, लेकिन देन आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर माई मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, और फिर उसके बाद पीएचडी की है बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम नॉटिंगहम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा यूएस। एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक देयर इज द नीड ऑफ टाइम, और मेरे साथ ये हम सब करना चाह रहे हैं। नेशनल आइडिया बैंक भी यही करना चाह रही है, हम टीचर्स जो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं हम लोग भी यही करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि समहाउ हमारी कंट्री जो है वो आगे जाए, हमारी डिपेंडेंस खत्म हो दूसरी कंट्रीज के ऊपर, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजीज बोरो करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं करते। तो मैं ये फोकस करना चाह रही हूँ कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप अब आगे मूव ऑन करे, उसमें ज्यादा रोल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का हो। तो उसके लिए मैंने एक कैनवस बनाया है जिसको एक कोर्स के अंदर कन्वर्ट करे उसे लॉन्च करना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन ये है कि जब मैं अपनी पोस्ट डॉक्टरेट कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में, तो मुझे ट्रांसफर ऑफिस में ये तकरीबन 9 महीने तक काम करती रही हूँ। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस के अंदर बड़ा बाहर कल्चर है कि जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी इन्वेंशन लेकर आते हैं, उसे कहते हैं इट्स इन्वेंशन डिस्क्लोजर। वो मैनेजर्स के पास लेकर जाते हैं और जो मैनेजर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उनकी इन्वेंशन को मार्केट तक ले जाने में। हमारे पास अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के ऊपर तो हम आए हैं, लेकिन वो जो ये कल्चर है कि भाई वो पेटेंट्स बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, फिर उसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ कर आएंगे, फिर उसको पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके कमर्शलाइज करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस मैंने वहां होते हुए देखा है, विच इज वेरी फ्रीक्वेंट। हमारे पास कम है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। अब जब वो लोग आ रहे थे तो मैं देख रही थी कि जो टेक्नोलॉजी मैनेजर्स हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, और जो उनसे सवाल उन्होंने पूछना शुरू किया तो दैट जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन। मैंने कौन से सवाल है जो उनसे पूछते हैं, अब यकीन करें मेरे पास लिस्ट आ गई, 101 क्वेश्चन थी, देयर वाज 101 क्वेश्चंस जो इंटरेक्ट कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ। अब नाउ थिंकिंग कि 101 क्वेश्चंस जो है वो एक इन्वेंटर एक ही मीटिंग में मैनेजर को जवाब नहीं दे सकता, तो इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो ऑलरेडी उनको पता हो जिसके आंसर वो खुद अपने साथ लेकर आए। इस सारे कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए मैंने एक कैनवस ड्रॉ किया जिसे मैं लीन कैनवस फॉर इन्वेंशन कहती हूँ। अब लीन कैनवस ऑफ इन्वेंशन हमारे इन्वेंटर को ये बताता है कि जब आप अपनी इन्वेंशन को डिस्क्लोज करने जाते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजर के पास, वो आपसे इतने इतने जो क्वेश्चंस पूछता है वो आप प्री स्टडी कर ले, आपके पास उनके आंसर्स पहले ही से मौजूद हो। लेकिन वो जाहिर बात है एक दिन के अंदर लिस्ट डाउन नहीं करते, रात वो जब अपनी जर्नी में जा रहे होते हैं कपल ऑफ इयर्स ऑफ इन्वेंशन में, वो खुद ब खुद इन क्वेश्चंस को आंसर करते रहते हैं। सो व्हेन दे रीच टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज, उनके पास लिस्ट ऑफ आंसर्स इन टर्म्स ऑफ द इन्वेंशन ऑलरेडी मौजूद होती है। सो दिस इज इनफैक्ट द होल आइडिया बिहाइंड दिस लीन कैनवस ऑफ इन्वेंशन, जिसे ही मैं कमर्शलाइज करना चाह रही हूँ। मेरा जो फोकस है वो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। स्टेम ग्रेजुएट्स में हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं जो स्टूडेंट्स हों जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम लोग भी जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। पर्टिकुलरली फोकस हमारा है माइंडसेट चेंज करना, और माइंडसेट चेंज करने के अंदर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तब भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे, जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एसएमईज वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तब भी वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे, तो इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना थ्रू दिस कैनवस इज दी, तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और आई एम नॉट थिंकिंग के ये जर्नी यहाँ पे एंड हो जाएगी, यानी आई एम नॉट थिंकिंग इवन एनआईबी भी हमें डिस्कनेक्ट कर रहा है। वी वुड लव टू बी विद द एनआईबी फॉर अ लॉन्गर टाइम, और एनआईबी के अंदर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि इंशाल्लाह से आगे मूव ऑन करने में, इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने में और इंटरेक्ट करने में और नेटवर्किंग बनाने में एनआईबी हमारी हेल्प कर रहा है। आगे ये है कि मैंने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लिए हैं, वेबसाइट जो है वो अंडर प्रोसेस है, यूएनडीपी और आईबीए और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो गई है, दो इवेंट्स में ऑलरेडी वेबिनार में करवा चुकी हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये नंबर जो है ना वो आगे आगे और बढ़ेगा। जी, आई वुड सजेस्ट, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगी कि आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट क्यों रहे करें, क्योंकि इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए विनिंग एंड लूजिंग इज टोटली डिफरेंट स्टोरी, लेकिन बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप किसी तरीके का किसी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं तो उसमें उसके साथ साथ लर्निंग्स आती हैं, और वो लर्निंग्स जो है वो समहाउ आपको ग्रूम ऑटोमेटिकली कर रही होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ताकि उनकी ग्रूमिंग हो।